आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। एक बार की कहानी है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार बहुत ही लालची था, वह हर समय पैसे कमाने के चक्कर में रहता था। उस जमींदार की एक बेटी थी। जमींदार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, उसने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वहीं जमींदार के घर में एक गरीब पति पत्नी काम किया करते थे। जमींदार उनसे हर रोज अपने घर का सारा काम कराता था। वह जमींदार इतना लालची था कि उन दोनों को भरपेट खाना तक नहीं देता था और हर छोटी छोटी बात पर उन दोनों को डांटता और धमकाता रहता था। वहीं जमींदार की बेटी को अपने पिता का ऐसा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह लड़की जमींदार से छिपकर उन दोनों पति पत्नी के लिए खाना लेकर आती थी और उन दोनों को भरपेट खाना खिलाती थी। ऐसे ही एक दिन एक औरत एक टोकरी में कुछ खिलौने लेकर अचानक से गांव में आती है। तभी उसकी नजर जमींदार के आंगन में खेल रही उसकी बेटी पर पड़ती है। बच्ची को देखकर वह औरत कहती है, खिलौने ले लो खिलौने, आओ बेटा खिलौने ले लो, एक से बढ़कर एक खिलौने। उस औरत की आवाज सुनकर जमींदार की बेटी उसके पास आती है। आंटी आंटी मुझे भी एक खिलौना चाहिए। हाँ बेटी क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें खिलौना देती हूँ। यह कहकर वह औरत एक डायन में बदल जाती है और जमींदार की बच्ची को पकड़ लेती है। अरे वाह, यह लड़की तो कितनी हष्ट-पुष्ट और मुलायम लग रही है, मुझे तो ऐसी ही लड़की की जरूरत थी, इसे तो मेरे पास होना चाहिए, यह लड़की तो मेरी सेवा करने के लायक है। तभी इतने में उस लड़की का पिता जमींदार डायन को देख लेता है। वह अपनी बच्ची को डायन के हाथ में देखकर उसको बचाने के लिए भागता है। जमींदार को आता देख डायन उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है। जमींदार कहता है, अरे बचाओ बचाओ, यह डायन मेरी बच्ची को उठाकर ले जा रही है, अरे कोई तो मेरी बच्ची को इस डायन से बचाओ। डायन भागती हुई उस बच्ची को लेकर एक विशाल पेड़ के पास आ जाती है और उस लड़की को लेकर उस पेड़ के अंदर चली जाती है। पेड़ के उस पार उस डायन की गुफा होती है। डायन जमींदार की बच्ची को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहां आकर वह लड़की बहुत घबरा जाती है और डायन से कहती है, आंटी मुझे छोड़ दो, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए। तभी डायन बोलती है, सुन लड़की, यह तेरे पिता का आलीशान घर नहीं है, यह मेरी गुफा है, अब तू मेरे पास मेरी गुलाम है, अगर तुझे यहाँ जिंदा रहना है तो मेरी सेवा कर, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। उधर जमींदार बहुत परेशान हो जाता है और दुखी होकर रोने लग जाता है। जमींदार को रोता देख वह गरीब पति पत्नी उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे मालिक क्या हुआ, आप यहाँ इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। तब जमींदार उन दोनों पति पत्नी को सारी बात बताता है कि उसकी बेटी को एक डायन उठाकर ले गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो इतना बेबस और लाचार हूं कि अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कैसे अपनी बेटी को उस डायन से वापस लेकर आऊं? जमींदार की बात सुनकर वह गरीब पति पत्नी अपने असली रूप में आ जाते हैं और एक नागिन और नागराज में बदल जाते हैं। जमींदार उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हे इच्छाधारी नागिन नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान न सका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम दोनों को गरीब समझकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, कृपा करके मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दीजिए। तभी नागराज बोलता है, जमींदार इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह डायन हमारे भी पीछे पड़ी थी, उस डायन से बचने के लिए ही हम यहाँ तुम्हारे घर आकर रूप बदल कर रह रहे थे, जमींदार तुमने ना सही परंतु तुम्हारी बेटी ने हम दोनों पति पत्नी की बहुत सेवा की है, तुम्हारी बेटी का हम दोनों पर बहुत बड़ा एहसान है, हम दोनों अपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी बेटी को वापस अवश्य लेकर आएंगे। इतना कहकर नागिन और नागराज अपनी जेसीबी लेकर उस डायन की गुफा के पास आ जाते हैं और अपनी जेसीबी से डायन की गुफा में टक्कर मारते हैं। नागिन और नागराज को जेसीबी के साथ देखकर डायन बहुत घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को वहीं छोड़कर दुम दबाकर भाग जाती है।